नमस्कार दोस्तों, टारगेट टेक्नीशियन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको फ्यूज दिखाऊंगा कि फ्यूज कैसे क्या होता है और इसको हम क्यों लगाते हैं और फ्यूज को सीरीज में लगाते हैं या पैरेलल में लगाते हैं। ये मैं आपको उसको फ्यूज को हम कैसे लगाते हैं ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो मेरे पास एक ये फ्यूज है दोस्तों, ये किटकैट फ्यूज इसे बोलते हैं, किटकैट यानी कि ये खुल जाता है। ये मेरे पास ये 32 एम्पियर का फ्यूज है, आप देख रहे होंगे इसमें लिखा होगा 32 एम्पियर 440 वोल्ट। दोस्तों आप ये देख रहे होंगे 32 एम्पियर का है, ये 415 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमारा कुछ भी हमारा इस्तेमाल फेस अगर हमको फ्यूज का लगाना हो कहीं पे, जैसे अगर हमको RYB में लगाना हो तो उसके लिए आप इसको खोल लेंगे पहले। तो आप इसको ऐसे खोल लेंगे और यहाँ पे दोस्तों ये HN टाइप का फ्यूज इसमें लगाते हैं। इसमें हम फ्यूज लगाने के बाद वापस इसको हम ऐसे इसमें लगा देंगे और जो हमारा फेस का वायर होगा एक सिरा हमारा यहाँ पे आ जाएगा और दूसरा इस्तेमाल लीजिए कि ये हमारा कोई वायर है और इसमें कोई मान लीजिए फेस आ रहा हुआ है तो हम इसको यहाँ से कट करके इसको यहाँ से इसका इंसुलेशन छील के एक सिरा हम इसमें लगा देंगे और दूसरा सिरा हम इसमें यहाँ पे लगा देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो हमारा फेस होगा वो फ्यूज के थ्रू हमारा चला जाएगा, यानी कि अगर हमारा सर्किट में कुछ भी लगा हुआ है जैसे मोटर लगा हुआ है या फिर कुछ भी लगा हुआ है तो अगर आपको चाहिए कि वो 32 एम्पियर से ऊपर अगर उसका करंट जाए तो वो फ्यूज हमारा हमारा जो भी मोटर जो भी कुछ भी हमारा इक्विपमेंट लगा हुआ हमारा बच जाए, कि यानी 32 एम्पियर से अगर ज़्यादा का हो तो हमारा उपकरण हमारा सेफ हो जाए, जले ना। तो उसी लिए हम यहाँ पे फ्यूज लगाते हैं कि ये 32 एम्पियर का फ्यूज है, इसमें हम लगा देंगे और फेस हम इससे इसके थ्रू कंट्रोल कर देंगे। तो अगर 32 एम्पियर से ऊपर का हमारा ओवर करेंट होगा तो हमारा ये फ्यूज उड़ जाएगा और हमारा जो भी मोटर या कुछ भी लगा होगा, मशीन होगा, मोटर होगा या फिर घर की सप्लाई होती है, कुछ भी होता है, तो अगर इससे ऊपर जाएगा तो हमारा फ्यूज हमारा उड़ जाएगा और हमारा जो मोटर होगा वो हमारा सेफ बच जाएगा, हमारे मोटर को कोई भी हानि या कुछ भी नहीं होगा और हमारा मोटर बच जाएगा। तो फ्यूज को हमेशा लाइन के सीरीज में ही लगाते हैं कि हमको फेस कंट्रोल करना है तो हम कोई भी हमारा फेस आ रहा होगा, कोई वायर आ रहा होगा, उसको हम बीच में काट के ब्रेक कर देंगे और एक सिरा हम यहाँ पे लगा देंगे। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे डालने के बाद इसको ये नटबोल्ट लगा हुआ है, इसको हम ढीला कर देंगे, यहाँ पे टाइट कर देंगे और दूसरा सिरा हम यहाँ पे लगा देंगे, इसके बाद यहाँ से टाइट कर देंगे। फिर जब ये हो जाएगा फिर इसमें हम फ्यूज लगा देंगे। फ्यूज लगाने के बाद इसको हम ऐसे लगा देंगे तो हमारा जैसे ही हमारा ये पास हो जाएगा फेस तो हमारा मोटर हमारा चल जाएगा। लेकिन अगर हमारा ये फ्यूज उड़ गया होगा तो हमारा ये मोटर नहीं चलेगा। तो बाकी ये दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया कि ये किटकैट फ्यूज है। और दोस्तों फ्यूज कई कई टाइप के आते हैं, ग्लास फ्यूज भी आता है, किटकैट फ्यूज भी आता है, HRC फ्यूज भी आता है। तो इसमें ये किटकैट फ्यूज है 32 एम्पियर का। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन जरूर दबा दीजिएगा।